एमपी में बीजेपी के शासनकाल में शुरू की गई दीनदयाल रसोई योजना बंद होने से गरीबों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह योजना राजधानी भोपाल के अलावा इंदौर और ग्वालियर जैसे महानगरों में चल रहे रैन बसेरों में चलाई जाती थी, जिससे गरीबों को 5 रुपए में भरपेट भोजन दिया जाता था। जानकारी मिली है कि फूड एंड सिविल सप्लाई की ओर से इस योजना के लिए राशन नहीं दिया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से रोजाना अपना पेट भरने वाले गरीब और शहरों में रोजगार की तलाश में आने वाले मजदूर वर्ग के लोगों को अब खाने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करने पड़ रहे हैं। वहीं योजना के बंद होने पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला है और उन पर गरीबों के मुंह से निवाला छीनने का आरोप लगाया है। इस सरकार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, हर एक अच्छी योजनाओं पर कैंची चला रही है। अब दीनदयाल रसोई योजना हमने इसलिए प्रारंभ की थी कि गरीब आदमी मजदूरी करने वाला काम की तलाश में शहर आता है और वो जितनी कमाई करे अगर होटल में भोजन करने को दे दे तो बच्चों का पेट कैसे पालेगा। हमने इसलिए प्रारंभ किया था कि वो कम से कम सस्ता भोजन नॉमिनल चार्ज पर उसको मिल जाए, 5 रुपया में उसको भरपेट भोजन दे दे, और सरकार ने उसी के लिए खाद्यान्न अलॉट नहीं किया, आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं कर रहे। ये गरीब के पेट पे लात मार के इस सरकार को मिलेगा क्या, मुझे समझ में नहीं आता कि इतने लोगों को कष्ट देने का काम ये सरकार क्यों कर रही है। और इस योजना को और बेहतर बनाते, हमने 5 रुपया किया था 3 रुपया करते, और बढ़ाते संख्या बढ़ाते तो ठीक था, लेकिन गरीबों के पेट पर लात मारने वाली सरकार को गरीबों की बद्दुआएं लगेगी। मेरी अपील है कि कम से कम इस तरह की योजनाएं तो बंद ना करें, दीनदयाल रसोई योजना जैसी।